कराची में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर ख़राब हो गई है और एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं कराची के अंदर, जिसमें जो अहम वाक़या हुआ है उसमें जामिया बनूरिया से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद अहले हदीस मौलाना अमीन समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता राज उन्हें फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया गया। इसके साथ साथ वो चंद ही रोज़ कबल वापस लौटे थे। कराची जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बारहा सियासी जमातें और हुकूमत सिंध इस बात का अज़्म करती है कि यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सूरत हाल किसी के काबू में नहीं आ रही। गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ है इस बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। मौलाना मोहम्मद अमीन को गुज़िश्ता रात नौरा सरंगी के करीब उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो जीप पर जा रहे थे। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही अपने खाले के हकीकी से जा मिले। इनके कत्ल की इत्तला मिलते ही जामिया बनौरिया के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा था। 2 से 4 मोटरसाइकिल सवार जो है वो हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि दोनों साइडों से जो है वो फायर हुआ है, जिससे गाड़ी को कोई डैमेज नहीं है लेकिन शीशे जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं। साहिबाल से ताल्लुक रखने वाले मौलाना मोहम्मद अमीन 17 साल से जामिया बनौरिया से मुंसलिक थे और गार्डन के इलाके में नूर मस्जिद के खतीब थे। जामिया बनौरिया के मोहतम मुफ्ती मोहम्मद नईम का कहना है कि इंतजामिया को कई बार मौलाना अमीन को सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक कहा गया था। हम वैसे इंतजामिया को बार बार मुतनबे करते रहे कि मौलाना अमीन साहब की हिफाजत के लिए कोई गार्ड कोई गनमैन दे, लेकिन इंतजामिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। मौलाना मोहम्मद अमीन के कत्ल का मुकदमा सैफुल्ला रब्बानी की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ साइट एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। शहर कायद गुज़िश्ता कई साल से टारगेट किलिंग का शिकार है। हर बार टारगेट किलिंग रोकने के लिए कमेटियां बनती हैं और मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं। क्यों कराची इस जानब बढ़ रहा है और अमन अमान की जो सूरत हाल है वो काबू में नहीं आ रही, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर मुशीर वज़ीर आला सिंध मोहतरमा शर्मिला फारूकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, क्या वजह क्या है, क्यों इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, क्या कुछ अंदाज़ा हो पाया है हुकूमत सिंध को कि इस तरह के वाक़यात में कौन लोग मुलव्वस हैं और किस हद तक पुलिस उन पर उन तक पहुँच पाई है? जी जावेद, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में टारगेट किलिंग का जो एक आंसर है, एक जो फिनोमिनन है, वो कोई नया नहीं है। कराची में बारहा आपने देखा होगा कि एक स्पेल आता है, हर 3 से 4 माह के बाद एक टारगेट किलिंग की एक इशू शुरू हो जाता है। कभी उसमें लासानियत होती है, कभी कोई फिरकावरानियत होती है, कभी कभार जाहिरी बात है कि पोलिटिकल वर्कर्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनमें क्लैश हो जाता है, ये इश्यूज आते हैं। इसको हम 2 तरीके से मैनेज करते हैं। पहला तो है पॉलिटिकली इसको मैनेज करना, जिसमें जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, चाहे ANP हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, फंक्शनल है, उनके लीडरान से बातचीत होती है और उसके लिए कोर कमेटी भी मौजूद है जहां पर इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज कर, जहां पर उसमें पुलिस और एजेंसीज आ जाती हैं। दोनों तरीके से हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ इनका शफाफ होते हैं जिससे हमें और ज्यादा लीड मिलती है और मजीद गिरफ्तारियां होती हैं, GIT बिठाई जाती है, उसमें मजीद इनका शफाफ होते हैं, वो हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी पहुंचा देते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं। जिस तरह से रजा हैदर हमारे एक मोहतरम MPA थे सिंध असेंबली के, उनके हवाले से हमने पहले इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें हैं, ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस हवाले से मुख्तलिफ क्लैशेज होते हैं। चंद माह कबल हमने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करी थी, उसमें हमने 1800 एकड़ जो सरकारी जमीन है उसको रिकवर किया, उसमें भी कुछ क्लैशेज हुए और कुछ अमवात वाकई हुई। उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें एक हॉल्ट आया, लेकिन आप सदर मुमलिकत आपकी हिदायत पे उसको दोबारा से रिएक्टिवेट किया गया है। और अच्छा शर्मिला साहिबा, सदर भी कराची में हैं और आज भी बड़ी इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, किसी किस्म की खास हिदायत दी गई हैं, क्योंकि सदर का ये कहना है कि इस हवाले से बाकायदा कानून साजी की जाए? देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था गवर्नर सिंध की जानिब से, जिसको इस पिछली जो सिंध असेंबली का सेशन था उसमें उसको एक बिल की शक्ल में इसको पास किया गया। इसके लिए 500 लोगों का, पुलिस एहलकारों का अलग एक कंटिजेंट है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत काम करता है और वो डायरेक्टली आंसरेबल है टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कोई इस
का बहाना नहीं होगा जी, पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। और ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, और बकायदा इनको ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को चुन के इस फोर्स में डाला गया है जो बड़ी दयानतदारी से आगे चलें, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। सरकारी जमीनों पे साला साल से तजावजात हुए हुए हैं। सदर साहब ने तो आज ये भी हिदायत की है कि गूगल और सैटेलाइट के जरिए भी देखा जाए कि आज जो कोई जमीन क्लेम करता है अपनी, तो आज से 15 साल पहले वो जमीन किसकी थी, विच कैन बी इजिली असर्टन फ्रॉम गूगल एंड सैटेलाइट। और आज उन्होंने एक मुलाकात की है आबाद के वफद से, बिल्डर्स एसोसिएशन वालों से, और उनकी भी उन्होंने तजवीज सुनी है और उसमें भी अमल पैरा होने की सिंध हुकूमत को हिदायत दी है। तो देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं। और एक और चीज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम टारगेट किलिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि क्या नॉर्मल मर्डर क्या है और टारगेट किलिंग क्या है। अगर मियाँ बीवी में तनाव होता है और मियाँ अपनी बीवी का कत्ल कर देता है तो जो मीडिया है उसको भी टारगेट किलिंग के जम में डाल देती है, वो एक नॉर्मल मर्डर है। दुनिया में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, अगर आप साउथ अफ्रीका में अगर आप केप टाउन देखें या आप बैंकॉक देखें, तो दिल्ली से के करीब कोई 3 से 4 कत्ल होते हैं, ऐसे ही वाकयात होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर टारगेट किलिंग ना भी हो, एक नॉर्मल मर्डर भी हो, तो उसको भी हम टारगेट किलिंग के जम में डाल देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि इस दफा बजट के अंदर जो हमने 29.7 अरब रुपए रखे हैं खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, ताकि उनकी कैपेसिटी भी इन्हेंस की जाए, मजीद पुलिस एहलकार जो है उनको रिक्रूट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है हमारी, वो हमने उसको ट्रेन किया है। उसके अलावा हमने कोशिश ये की है कि जो मौजूदा पुलिस एहलकार हैं उसमें अगर कोई काली भेड़े हैं तो उसको भी हम वीट आउट करने की कोशिश करें। तो देखिए ये तमाम कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन 2.25 करोड़ की आबादी है, आज भी हमारे पास 35,000 पुलिस एहलकार हैं जिसमें सीआईडी भी इन्वॉल्व है, ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व है, तमाम लोग हैं। ऑन ग्राउंड जो हमारे पास पुलिस एहलकार होते हैं ऑन ड्यूटी, वो तकरीबन 12,000 से 13,000 होते हैं। ठीक है, तो आज भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी, मुशीर वजीर आला सिंध हमसे गुफ्तगू कर रही थी और उनका यह कहना था कि इकदामात कर रही है हुकूमत, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि पुलिस एहलकार, पुलिस की जो तादाद है उस हवाले से भी हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है सानह करबला गामे शाह के हवाले से। पुलिस के बारे में कहा गया था कि इस वाक़े की जिम्मेदार पुलिस थी, पुलिस ने गफलत की है। आज पुलिस ने यह कहा है कि पुलिस ने बिल्कुल भी गफलत नहीं की थी, इस वाक़े की जिम्मेदारी डीसीओ पर आयद होती है। अगर डीसीओ को मालूम था कि इस किस्म की गफलत है तो डीसीओ ने क्यों नहीं बताया पुलिस को, क्या कुछ बताया है और पुलिस का क्या कहना है, इस बारे में हम मसीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नोमान शेख से। जी नोमान, पुलिस ने आज डीसीओ पे जिम्मेदारी डाल दी है, क्या 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 बातें हुई हैं आज? जी जावेद, आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुल्फकार हमीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोर गैंग था उसको गिरफ्तार किया। वहीं पे जब हमने उनसे सवाल किया कि सानह करबला गामेशा और सानह दाता दरबार के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और वहां पे क्या सिक्योरिटी लैब से, तो उनका ये कहना था सिक्योरिटी लैब बिल्कुल नहीं थे, पुलिस की मुकम्मल नफरी वहां पे तैनात थी और डीसीओ लाहौर वहां पे सुबह के मौजूद थे सजाद भुट्टा साहब, और अगर उनको लग रहा था कि कुछ सिक्योरिटी लैप्स है तो उन्होंने क्यों नहीं फौरन हमें इतला दी या सीसीपी और लाहौर को बताया। इसका ये मतलब है कि पुलिस ने अपनी जो ये उनके फिक्रे थे जो उन्होंने कहे कि पुलिस ने अपने फ्राइज में गफलत नहीं बरती, बल्कि असल गफलत जो है वो डीसीओ लाहौर सजाद भुट्टा ने अपने फ्राइज में ये बरती है और उन्होंने नहीं बताकर ये, क्योंकि उनका ये कहना था डीसीओ लाहौर सुबह से तमाम इंतजामी अमूर का जायजा ले रहे थे और वहीं पे मौजूद थे, अगर उन्हें लग रहा था कि वहां पे कोई सिक्योरिटी लैब थे तो वो क्यों नहीं बता रहे थे। उनका ये भी कहना था कि सानह करबला गामेशा में जो 3 हमले हुए हैं उनमें पहले जो 2 हमले थे वो पुलिस एहलकारों ने नाकों पर ही कुछ हमलावरों को रोक के वहीं तक खत्म किए, जिसकी वजह से जानो माल जो है आवाम का वो उसका नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। उन्होंने तमाम नौमान शेख का कहना था कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जुल्फिकार अमीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जिम्मेदारी डीसीओ सजाद भुट्टा पे डाली है। उनका ये कहना था कि वो सुबह से ही सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे थे, अगर उन्हें किसी किस्म की कोई खामी नजर आई थी तो उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को बताया था। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस वक्त किस सूरत हाल में है, हुकूमत की कितनी तवज्जो इस इंडस्ट्री को चाहिए कि ये फलती फूलती रहे, इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।